बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब हंसा तू तो अमर लोक का बड़ा काल बसाई, अनादि काल से मनुष्य अमरत्व की खोज कर रहा है। आखिर ये अमरत्व की खोज क्यों कर रहा है? क्योंकि अमर लोक का है। मैंने एक बात बहुत बार दोहराई है, इंसान के पास तीन मेमोरी है। एक हमारी मस्तिष्क की मेमोरी है जो सिर्फ इस जीवन और इस शरीर के लिए चिंतन करती है, उसको आगे किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। दूसरी मेमोरी हमारे अंतःकरण की है, उसमें 100 जन्म की बातें याद होती हैं। ऐसा उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से एक प्रश्न किया और बड़ी साफ बात बोली, हे वासुदेव, मैं अपने पिछले 100 जन्म को देख रहा हूं, उन पिछले 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, पाप नहीं किया, जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़े। वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 100 जन्म के बाद एक जन्म दिखाया, जिसमें उसने एक मेंढकी को मारा था, उसके पेट में 100 बच्चे थे। कहा, हे धृतराष्ट्र, इस कारण से तुम, वो 100 बच्चे, ये मेंढकी तुम्हारी धर्म पत्नी गंधारी और ये 100 बच्चे वो ये है, पर वो कभी कभी पिछले जन्म की बातें अंतःकरण में उठती है, मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है। अगर मस्तिष्क स्वीकार करे तो इंसान जी नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए कमल सिंह की बीवी है, 2-3 बच्चे हैं। अगर पिछले जन्म का याद होता कि मेरी बीवी वहां रहती है तो देखो कंट्राडिक्शन हो जाता। इस कारण से शरीर की संरचना कुछ बड़े हिसाब से बनाई गई। तीसरी मेमोरी आपकी आत्मा की है। आपको यथार्थ बताता हूं, स्वानुभव बताता हूं। उस समर लोक में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम पहली बार आए हैं, वहां याद आ जाता है आत्मा को, मैं तो यहीं था। ये स्वानुभूति बता रहा हूं। इस तरह से अनादि काल से ये जीव, मैंने कल आपसे शरीरों के बारे में बात की थी, 6 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। अवस्थाएं भी है इसमें, शरीर में अलग अलग अवस्थाएं, क्या कमाल है इसके अंदर। जिस स्मार्टफोन में जितनी एप्लीकेशन अधिक है, सिस्टम अधिक है, उतनी कीमत ज़्यादा है। इसलिए मानव तन दुखदायी होना, शरीर है नहीं दुखदायी, उसके बावजूद भी रहस्यमय है। जितने बाकी लोक हैं वहाँ अमरत्व तो नहीं है। ऋग्वेद में प्रलय का पूरा वृतांत है। जब महाप्रलय आती है सब कुछ लय हो जाता है, यहाँ तक के त्रिदेव और 33 कोटि देवता भी, उसको एक शिष्ट और शास्त्रीय भाषा में कहा कि लय हो जाते हैं। इसलिए इस देश संसार को नाशवान भी कहते हैं, ये नाश को प्राप्त होता है। स्वर्ग आदि
साहब ने अपने शब्द में साफ कह दिया, स्वर्ग नरक बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। लेकिन उस समर लोक में तहां नहीं पड़ लेगी छाया, इसलिए आत्मचेतना है। मनुष्य ऐसा अमरत्व ढूंढ रहा है। कई बार मानव ने अमर होने के लिए बड़ी चेष्टाएं की, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। पहले सेल्स, मानव शरीर के सेल टूटते हैं और बुढ़ापे में अधिक टूटने के बाद ज़्यादा नहीं बनते, तो उन्होंने सेल को प्रिजर्व किया था। लेकिन बाद में देखा वो खुश हुए 4-5 साल तक कि अभी आदमी नहीं मरेगा, लेकिन सबको 90% कैंसर हो गया। आखिर में उन्होंने ये मान लिया कि शरीर सेल बने और टूटे ये ज़रूरी है, सेल को स्थायी नहीं किया जा सकता। क्योंकि कैंसर क्यों हो गया, वो तो बनते और बिगड़ते हैं। मैंने यूँ याद किया, कम से कम 1000-1200 मेरे सेल टूट गए, ब्लड उसको रिपेयर करता है। शरीर की संरचना ऐसी है, पर एक देश है जहाँ वो अमृत है। वही आत्मचेतना इंसान में जागती है कभी कभी। इस बीच में मन और उस आत्मचेतना का आपस में संघर्ष होता है। ये मन बहुत पश्तोहर और स्वार्थी है। मन को केवल इस शरीर, इस जीवन की चिंता है, आगे का ये सोचना नहीं चाहता है। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंसान ठीक से सिर्फ देख सकता है 30 फीट तक, 10 गज। उसके बाद देखेगा लेकिन आंखें नहीं दिखाई देगी, कई और चीजें वो नहीं दिखा देगी। इसी तरह मन की क्षमता, मन ऐसा है वो केवल इस शरीर के लिए सोचेगा, इंद्रियों के लिए सोचेगा, भौतिक सुख के लिए सोचेगा, आगे सोचना इसको मंजूर नहीं है। पर अमरत्व है नित्य वैज्ञानिक लोग। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया पता है, उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि इंसान की मेमोरी निकाल करके मौत के बाद 8 से 15 मिनट तक आदमी का ब्रेन एक्टिव रहता है, उस समय मेमोरी निकल जाए सेव कर देते, वो दूसरे में ट्रांसमिट करें। लेकिन ये पद्धति भी फेल होगी। वर्तमान में क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, एक काम कर रहे हैं, वो डेड बॉडी को फ्रीज कर रहे हैं। और वर्तमान में भारत समेत अनेक देशों में ये पद्धति चल रही है, ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई गई है। अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन ने के मुताबिक इंसान आगे ये टेक्नोलॉजी सीख जाएगा कि जिंदा कैसे रहा जा सकता है। मेरा ये विचार है कभी भी इंसान इसमें सक्सेस नहीं हो सकता। अभी वो एक क्रायोनिक्स पद्धति के अनुसार बॉडी को फ्रीज करते हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं फ्रीज किया जैसे डेड बॉडी को भी एम्बोजमेंट करते हैं जिससे उसमें बदबू नहीं आए, सड़े नहीं। तो एक पद्धति के अनुसार क्रायोनिक्स में वो बॉडी को सेव करके रख देंगे। इस उम्मीद में कर रहे हैं कि भविष्य में इंसान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इसको जिंदा किया जा सकता है। पर इनको ये नहीं मालूम है, वैज्ञानिकों को, ये उनके बूते की बात नहीं है। शरीर कोई रोबोट नहीं है, आत्मा के बिना शरीर किसी भी तरह नहीं चल सकता और आत्मा तक वैज्ञानिकों की कभी भी पहुंच नहीं हो सकती है, वहां तक इनकी कभी भी पकड़ नहीं हो सकती है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। अब एक प्रश्न उठा, क्या ऐसा लोक है, अमर काया है वहां, वाह क्या बात है। अब थोड़ा सा आप लिंक कर रहा हूं मैं इस बात को, सत्पुरुष है अमर काया, वहां ऐसी बॉडी है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, वाह। तो इंसान के अंदर यह ख्याल क्यों आ रहा है कि ऐसा शरीर प्राप्त करें जो हम अमरत्व को पाएं, वो आत्मा की मेमोरी है। इस शरीर में बहुत बड़ा संघर्ष है,
बहुत बड़ा संघर्ष है, आत्मा और मन का हमेशा संघर्ष है। बाजे लोग क्या बोलते हैं, एक मन कह रहा है ये काम करें, एक कह रहा है नहीं करें। उदो मन न भय दस बीस, भाइयों बहनों मन दस बीस नहीं है, एक है। मन की बनावट ऐसी है, उसका एक ही काम है, जीवात्मा अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचे, बहुत ताकत है उसमें। मैंने कई बार रीगन के पीए का हवाला दिया है, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ पे हैं, वो शैतानी ताकत हमें ये अलाउड नहीं करेगी। जिस दिन पूरी दुनिया अपने स्वरूप को जान जाएगी, दुनिया का विश्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस संसार की आत्मा ही भ्रम और अज्ञान है, अंधकार है। संसार की आत्मा अज्ञान है। जैसे हमारा शरीर आत्मा के द्वारा चलता है, ये विश्व अज्ञान के द्वारा चलता है। हम सबको पता है एक दिन इस संसार से जाना है, तब भी इंसान अनदेखी कर रहा है। बाम पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माही घर किया, सो कस मरे प्यास। तो इंसान एक गफलत में है, निसंदेह आपके पास वो शरीर है। सत्यलोक तहां अमर गाया, यहां साहब ने इसका उल्लेख किया है, एक ऐसा एलिमेंट है वो। लेकिन ये आदमी मनुष्य किसी भी भागीरथी प्रयास करने के बाद भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता है भौतिक संसाधनों से, क्योंकि हमारी आत्मा को भ्रमित करने के लिए का एक संसाधन है हमारा मन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। बड़ा साफ कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तो इस प्रकार से वर्तमान में क्रायोनिक्स मेथड के द्वारा शरीर को इम्बोज, जैसे फ्रीज कर रहे हैं, जैसे डेड बॉडी को इम्बोजमेंट करते हैं, उसमें दुर्गंध नहीं है। पर कभी भी ये टेक्निक कामयाब नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों को एक बार सोचना चाहिए, हमारा शरीर है क्या, पंचभौतिक तत्वों का बना है। पंचभौतिक तत्व कभी भी अमर नहीं है, कभी भी स्थाई नहीं है। वैज्ञानिक लोग एक मगजपच्ची कर रहे हैं सिर्फ, चलो वो रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं अमरत्व तो हमें मिले। विचार उनका ठीक है, पर अमरत्व तो के लिए जो शैली अपना रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। ये रेत का महल बनाना है, ये रेत के महल बनाने के तरह है। जो मनुष्य की स्थूल ये चेतना है, ये भी भ्रमांक है, ये भी एक फ्रॉड है। ये बुद्धि, मैंने कई बार बोला, एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक लोग किससे काम कर रहे हैं, बुद्धि से ही तो कर रहे हैं ना। बुद्धि कौन है, बुद्धि तो मन है ना। मैंने कई बार मन के रूपों के बारे में बोला है, मन आप सोच सकते कैसी चीज है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। इस तरह से ये बॉडी अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। वैज्ञानिक लोगों को एक चीज का विचार करना होगा, जब उनके धर्म में, सभी धर्मों में स्वर्ग आदि की बात की जा रही है, हिवेन एंड हेल कह रहे हैं और दोजक और भिष्ट कह रहे हैं, स्वर्ग और नर्क कह रहे हैं, वहां भी आत्मा है। क्यों ना उस चीज को खोजा जाए जो इसमें अमर है। इस शरीर को अमर बनाने की क्यों एक असफल चेष्टा क्यों हो रही है, मगजपच्ची कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिनके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं ये कहूँगा डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन को,
जो आपका ये प्रयास है ये पानी में लाठी मारने के बराबर है, समय जाया कर रहे हो। ये भौतिक शरीर है, नाशवान है, कभी भी स्थायी नहीं रह सकता है। कोई सोचे मिट्टी के घड़े को हम स्थायी करें, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा स्थायी है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस पर रिसर्च किया और कई खोजें किए। तो बंधु वो आओ बताता हूँ कैसा शरीर है। साहब ने उस शरीर का चित्रण किया है। सत्यलोक तहां अमर काया, तहां नहीं हम केर प्रवेशा, दिवस न रजनी पवन न पानी। वहां पंच भौतिक तत्व ही नहीं है। इसका मतलब है हमारी आत्मा खुद एक ऐसा तत्व है जो आत्मा को भी तत्व बोला, नेतत्व भी बोल दिया। वो ऐसा तत्व है जो पंच भौतिक चीजों से परे। जहां तक पंच भौतिक चीजों का प्रश्न है, इनसे बनी कोई भी चीज को अगर आदमी सोचे कि हम स्थाई कर दें, अमर कर दें, तो बेवकूफी है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं, शरीर को अमर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। शरीर की संरचना ही ऐसी है पंचभौतिक तत्वों की। तुम्हारा ये प्रयास परछाई से लड़ाई करने के बराबर है। जितना परछाई से लड़ाई करोगे आपकी प्रक्रिया परछाई भी करेगी। इसलिए तन नाशवान है, छित जल पावक और क्षणभंगुर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। इसलिए ये विचार जो मनुष्य के अंदर उठाए हैं, दरअसल ये हमारी आत्मचेतना का विचार है। पर इस तक, उस शरीर तक पहुंचने के लिए जो आप ये शरीर को फ्रीज कर रहे हैं या क्रायोनिक्स योजनाएं बना रहे हैं या इम्पोजमेंट बॉडी की कर रहे हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं, ये फालतू, बस वो पानी पर लाठी चलाने वाली बात है। थोड़ी देर में फिर वैसा ही हो जाए। तन धर अमर रहा न कोई, लाखों यहाँ सिकंदर और दारा हुए, किसी का नामो निशान नहीं रहा। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिनको नाम आधार। अब यहाँ साहेब की वाणी पर चिंतन करने की आवश्यकता बनती है। थोड़ा सा मैं आपको इस पर अपना विचार रख रहा हूँ। नई दिल्ली, दुनिया भर में दोबारा जिंदा होने के लिए शरीर फ्रीज करवाने का चलन बढ़ रहा है। इस समय विश्व भर में करीब 600 लोगों के मरे हुए शरीर को फ्रीज करके रखा गया है। इनमें से 300 से ज़्यादा शव सिर्फ अमेरिका और रूस में है। कानूनी तौर पर भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रायोनिक्स तकनीकी में भरोसा रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि वो अभी सिर्फ बेहोश हुए। बताइए ऐसी मान्यता कुछ धर्मों में भी है, ऐसी मान्यता कुछ धर्मों में भी है। आप ऊपर देख रहे हैं जो चित्र, ये क्रायोनिक्स पद्धति के द्वारा रखे हुए इंसानों के शरीर है। ऐसा ही भारत में कुछ हुआ है। कुछ लोग जब चले गए तो लोग कह रहे हैं वो समाधि में है, समाधि नहीं है। तो कह रहे हैं कानूनी तौर पर भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रायोनिक्स तकनीकी में भरोसा रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि वो अभी सिर्फ बेहोश है। इस तकनीक के जरिए उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैंने इसका विवरण दिया। ये जिस्म पंच तत्वों का है, पंच भौतिक तत्वों का है, नाशवान है। इसको चलाने वाली ताकत सिर्फ हवा नहीं है। कहीं कहीं कुछ लोग कॉमा में होते हैं, उनको लाइफ सपोर्ट पर रख देते हैं, तो कुछ मर जाते हैं तो भी लाइफ सपोर्ट पर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जा रही है। पर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो रहे हैं, नहीं है, वो मर चुके हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि वो अभी बेहोश है। ऐसी मान्यता कुछ धर्मों की भी है। वो बोल रहे हैं कयामत के बाद खुदा फिर लोगों को जिंदा कर देगा, कब्र से उठ जाएंगे। कह रहे हैं इस तकनीकी से उनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है।
यही वजह है कि दुनिया में कई सारे लोग मरने के पहले अपने परिवार को के सामने ये इच्छा जाहिर करते हैं कि उनके शरीर को हमेशा के लिए खत्म करने की बजाय इसे तकनीक के जरिए सुरक्षित रखा जाए। और ये प्रयोग भारत में भी चल रहा है, आप विचार करें। अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड गिब्सन के मुताबिक जब इंसान को कोई तकनीकी जिंदा करने में सफल हो जाएगी हो जाती है तब मौत के बाद उसके शरीर को फ्रीजर में रखकर में इस उम्मीद से रखा जाता है कि भविष्य में विज्ञान में के और उन्नति करने पर उस इंसान को फिर से जिंदा रखना संभव हो सकेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपने क्रायोनिक्स पद्धति के द्वारा शरीर को ठीक रखा, लेकिन बताऊँ क्या है, अंदर से वो खत्म होता जाएगा। उदाहरण देता हूँ, मेरे पास एक आदमी आया, बड़ा बड़े सुंदर गब्बू घोसा लाए जलंधर से, भजन लाल जी फ्रूट का काम करते हैं, बड़े सुंदर गब्बू घोसा लाए। जब मैं काटा, ऊपर से बड़े सुंदर थे, जब मैंने काटा वो सब खराब निकले अंदर से। इसलिए ये बॉडी कभी स्थायी हो ही नहीं सकती है। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं, त्रिलोक में अमर न देखा कोई, बड़ी बड़ी योग साधनाएं करने वाले, श्वासों को नियंत्रित करने वाले, बॉडी को फ्रीज उन्होंने दूसरे तरीके से किया। उसकी पद्धति मैंने अध्यात्म यात्रा में भी लिखी हुई है कि श्वास भी नहीं लेता था, बाकी सब चीज, लेकिन सब अस्थायी तरीके हैं। ये कभी भी ये शरीर अमर नहीं हो सकता है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। इसमें लोग कह रहे हैं ड्रोन बना, आगे प्लान है अमेरिका का, कुछ सक्सेस भी हुए कि हवाई जहाजों को अभी ड्रोन से उड़ाया जाएगा। अरे तो भाई आदमी तो उड़ा रहा है, वो उधर बैठने की जगह उसी तकनीक से कमरे में बैठ के तो उसको उड़ा रहा है ना, बात तो एक ही हुई ना। उड़ा आजकल, अब रोबोट बना रहे, रोबोट को भी तो इंसान फंक्शन कर रहा है ना। आगे कह रहे हैं मौत के बाद उसके शरीर को फ्रीजर में इस उम्मीद से रखा जाता है कि भविष्य में विज्ञान के और उन्नति करने पर इंसान को फिर से जिंदा करना संभव हो सकता है। आप देखें, भारत अमेरिका समेत कई देशों में बनी निजी प्रयोगशालाएं, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रूस समेत दुनिया के दर्जनों देशों में निजी कंपनियों ने प्रयोगशालाएं बनाई हैं जो मरे हुए शरीर को सुरक्षित रखने का दावा करती हैं। हालांकि इंडियन फ्यूचर सोसाइटी के संस्थापक अविनाश कुमार सिंह के मुताबिक भारत में शव को फ्रीज करके रखने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, यहाँ कोर्ट और सरकार से इजाज़त लेना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा है, वो ये ठीक लिख रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट में अपना पहला मामला, इसका पहला मामला 2016 में लंदन हाई कोर्ट के एक फैसले के समान आया था। यहाँ 14 वर्षीय लड़की की कैंसर से 17 अक्टूबर 2016 को मौत हो गई थी। मौत से पहले उसने लंदन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसकी मौत कैंसर बीमारी से होने वाली है, ऐसे में एक बार फिर से जीवन जीने का उसे अधिकार मिलना चाहिए। अब बता, कोर्ट अधिकार देगी जीवन जीने का? भैया ये कोर्ट के बस की बात ही नहीं, क्या क्या लोग हैं। बच्ची के परिवार को भरोसा था कि 50 या 100 साल के बाद मेडिकल साइंस में उसकी बीमारी का इलाज संभव होगा और उसे डॉक्टर एक बार फिर जिंदा करके कर सकेंगे, इसलिए उसने अदालत से इस तकनीक के जरिए अपना शरीर सुरक्षित रखने की अपील की थी। आप थोड़ा विचार कीजिए। मनु, सीधी सी एक बात है, काचे कुंभ न पानी ठहरे। कोई सोचे घड़ा कभी न टूटे तो बेवकूफी है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, ये प्रयास मनुष्य का, हाँ यूं है, ये है ही अमर आत्मा, है ही अमर।
अगर आपको जीवित रहने की आकांक्षा है तो आप चल हंसा सतलोक। साहब ने उसका उल्लेख अपनी वाणी में बहुत सुंदर तरीके से किया है। ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। आप देखते हैं वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार। अब कह रहे हैं एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार, इसका मतलब है हमारी आत्मचेतना इसका एक इशारा कर रही है कि अमरत्व कुछ है, पर अमरत्व इस शरीर में नहीं है, शरीर नाशवान है। किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है शरीर अमर है। बंधुओं, मृत्यु, मैं एक कविता लिखा हूं मृत्यु पर, चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अति संबंध अति जगत से है, निर्जर जीवन की तू गति है, अस्तित्व तेरा जीवन से है, तू विशाल सागर जीवन बिंदु नना। हाँ मेरे भाइयों, जब ये पंचभौतिक शरीर है, मृत्यु क्यों है? क्योंकि इसके जो सेल है, आप किसको अमर करना चाहते हैं? बॉडी को ना, अस्थियों को ना, रक्त को ना, मांस को ना, त्वचा को ना? इतनी ड्यूरेबिलिटी हो सकती है? आप कल्पना तो करो ना, ये असंभव है, ये असंभव है, परछाई से लड़ने वाला काम है। पर आत्मा सच में अमर है, आत्मा सच में अमर है। पंच भौतिक तत्व तो नाशवान है, और विज्ञान हमारा कम था क्या? अभी से बहुत बड़ा विज्ञान था, तब भी हमारे महापुरुषों ने कंसंट्रेशन की ताकत से, ध्यान से, ऋषि मुनियों ने बहुत चीज़ें प्राप्त की थी। विज्ञान आज तक वहाँ नहीं पहुँच सका है। इस शरीर से निकल करके दूसरी जगह, आप 16वीं कला के अंदर यही तो आ जाता है, बॉडी से निकल करके फिर वापस आ जाना। क्या आज तक निकाल सका वैज्ञानिक ये? और उस समय ये पद्धति थी कि कंसंट्रेशन से अपने पूरे संदेश शिष्य के पास गुरु पहुँचाता था, इसके भी मैंने कई प्रमाण दिए हैं। तो इसलिए यथार्थ यह है कि अमरत्व तो है, इस पंचभौतिक शरीर से बाहर निकलने के बाद ही अमरत्व तो है। क्योंकि एक तरफ इंसान मान रहा है स्वर्ग नर्क है, तो इसका मतलब है कि इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जीवन है, वो यथार्थ है। ये तो वस्त्रों के समान है, यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही है, अर्जुन जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार ये मनुष्य एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। उस आत्मा की तरफ क्यों नहीं रिसर्च किया जा रहा है जो स्थाई है, जो नित्य है? इस भौतिक शरीर के लिए ही क्यों किया जा सकता? सभी जगहों से मल निकल रहा है और इसके अंदर कफ पित्तवाय भरी हुई है, डॉक्टर रिसर्च भी कर रहे हैं बॉडी के अंदर क्या है, उसके बाद क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं ये अपना कि शरीर को अमरत्व की तरफ ले चले? एक श्वास नहीं बढ़ा सकते हैं कोई भी, ऐसा प्रकृति का विधान है। लेकिन आप अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जीवत मरिए भोजल तरिए। अब साहब यहाँ क्या करें, पुष्टि कर रहे हैं ना, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बौर न मरना होए। जन्म और मृत्यु ही पता है मौत क्या है, जन्म लेने के साथ मौत शुरू होती है। जिस दिन इंसान ने जन्म लिया उस दिन से मौत शुरू हो जाती है, मौत शुरू होती जाती है। शरीर स्थायी नहीं है, शरीर कभी भी स्थायी नहीं रह सकता है, चाहे कितनी कोशिश क्यों की जाए, आखिर ये तन खाक मिलेगा। वाह, साहब की वाणी में बिल्कुल साफ संदेश है, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कल मैं पुनः इसी पर अपने विचार रखूंगा, करूँगा, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है साहेब नहीं।